हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो शुरू करते हैं आज का डे टू है आज हमारा। सो मैंने वही कल वाली स्मूदी बनाई है, और अगर स्मूदी की रेसिपी देखनी है आपको तो डे वन का व्लॉग चेक कीजिए। यहाँ पे मैंने 4 टोमेटोज लिए हैं और एक लौकी ली है। इसका मैं सूप बनाने जा रही हूँ। सो इसको मैं कट करके प्रेशर कुकर में डालूँगी बॉयल करने के लिए, ठीक है? फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने टोमेटोज़ और लौकी को कट कर दिया है, और इसमें 1 ग्लास पानी डाल के मैं इसे बॉईल करने रख दूँगी। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी डाल दीजिए। सो इसे बॉईल करने के बाद मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा छन लूँगी। इस तरह छानने के बाद मैं इसे थोड़ा सा फिर से बॉईल करूंगी ताकि परफेक्ट टेस्ट बैठ जाए। तो यहाँ पे हमारा सूप बनके हो गया है रेडी। तो खाने से पहले थोड़ा सूप हो जाए, कैसा लग रहा है गाइस बताना? पीने का मन हो रहा है ना आपको? यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। आलू पालक की सब्जी बन रही है आज लंच में। रोटी भी शर्मा गई, देखो कैमरा ऑन किया तो फुली ही नहीं। वैसे तो सारी रोटियां फुल के बनती है, लेकिन देखो ये आज फुल घी भी लगा के रोटी खाएंगे भाई, जो नहीं वेट लॉस करना। तो यहाँ पे लंच लग गया है मेरा। रोटी, कल की पापड़ी की सब्ज़ी बची जो मैं खाने वाली हूँ, पालक की सब्ज़ी, पापड़, अलग अलग टाइप के जूस बनाने से तो मेरा काम और बढ़ गया है। मैं तो थक गई। इससे अच्छा तो चाय बिस्किट खाओ, मस्त रहो, दोपहर को सिंपल खाना खाओ। लेकिन अगर जलेबी बेबी दिखना है तो हेल्दी खाना पड़ेगा। सो यहाँ पे लंच हो गया है डन, और मैं चाह रही सोने। 2 घंटा सो मिलती हूँ आपको चाय के टाइम पे शाम को 5 बजे। इवनिंग की चाय मिल जाए ना, बिड़ो कुछ नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा मुझे खुश करती है मेरी चाय। मेरा कप टूट गया है, देख सकते हो आप। मेरे बच्चे ने हाथ से गिरा दिया और उसका हैंडल टूट गया था। बच्चों बोलते हैं कि मम्मी मैं ना फेविकॉल से चिपका देता। मैंने बोला बेटा चाय, गरम गरम चाय डालूंगी, वो हैंडल मेरे हाथ में रह जाएगा, फेविकॉल पिघल जाएगा और कप गिरेगी, चाय गिरेगी मेरे ऊपर। सो मैंने बोला चलेगा ऐसे ही, लेकिन मैं एक मेरा कप नहीं छोड़ सकती, चाहे ये टूटा हुआ हो या कुछ भी हो। मिलते हैं डिनर के टाइम। डिनर हो चुका है रेडी। डिनर में बना है दाल तड़का, दाल एंड राइस, प्लेन राइस बस। मैं डेली रात को है ना लाइट डिनर ही बनाती हूँ, जैसे कि बहुत हैवी नहीं बनाती हूँ। जैसे कल मैंने वेजिटेबल ढोकला बनाए थे, आज मैंने दाल राइस बनाया। ऐसे दाल राइस ऐसे थोड़ा हैवी भी है और थोड़ा हल्का भी, वो तो डिपेंड्स कि आप लोग कितना क्वान्टिटी में खाते हो। लेकिन दाल फुल प्रोटीन से है, सो उसमें प्रोटीन भर भर के होता है, तो मुझे दाल बहुत पसंद है। मैं दाल बहुत अच्छी बहुत खाती हूँ मैं। सो दाल राइस बने हैं डिनर में आज, और क्योंकि कल है हमारा फास्ट, कल है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि का व्रत हम रखने वाले हैं। सोचा अभी अच्छे से खाना खा ले ताकि कल फास्ट आराम से मैं कर सकूँ। मुझसे फास्टिंग होती नहीं है, लेकिन अल्ट्रा आए महाशिवरात्रि का व्रत, रामनवमी, ऐसे जो होते हैं सब रखने ही पड़ते हैं। ये है हमारा डिनर, सिंपल दाल राइस विद अनियंस एंड पापड़। बटर मिल्क कहाँ गई? बटर मिल्क नहीं दिख रही, लानी भूल गई मैं। ओके, इसके साथ बटर मिल्क भी ऐड कर दो आप इमेजिन करके। राइट गाइस, होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा फूड आपने एंजॉय किया होगा। बाय, सी यू टुमारो। कल है महाशिवरात्रि, भूलना नहीं, तो मैं आ रही हूँ कल महाशिवरात्रि का व्लॉग लेकर। Okay, bye.
गुड नाइट।